चलिए हम अपनी जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर जो सीरीज है उसमें चलते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो एक बार मौलिक अधिकार पर एक ब्रीफ नज़र। पार्ट संविधान का भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार का विवरण है, भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसा कि हमने ये दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, जैसा कि हमें ये स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए आगे हम इसी आज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आते हैं। हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, 2021 का है। अब एक बात बताइए, राज्य शब्द जो हमने परिभाषा जो पढ़ी है, राज्य शब्द का क्या है? तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो अगर हम बात करें तो विस्तृत रूप से कार्यकारी विधायी अंगों का, संघीय सरकार का क्रियान्वयन, सरकार और भारत की संसद, राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय निकाय, ठीक है, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, अन्य सभी निकाय, वैधानिक गैर वैधानिक, ये सभी आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कि निजी इकाई या एजेंसी जो कि राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही हो, वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द के अंतर्गत इंक्लूड होंगी। चलिए अब देखते हैं। अब ये बताओ, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता हो, जिसकी एक संगठित सरकार हो। अब एक तरह से हम अगर ये इसको कह सकते हैं कि जो जनजातीय एरिया होता है, ये व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। मतलब जो लोग जनजातीय, जैसे कि अगर हम बोलें कि अंडमान निकोबर या फिर जैसे ऊंग जारवा जनजातियाँ हैं, ये जनजातियाँ जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करती हैं और जिसकी एक के संगठित सरकार है। अब संगठित सरकार इन द सेंस कि वो उनमें से तो कोई ना कोई जो होगा कि वो उनको एक एज अ कंट्रोलिंग होगा, एज अ पावरफुल होगा ना। तो क्या व्यक्तियों का एक समुदाय है, व्यक्तियों का केवल एक समुदाय है जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता हो, जिसकी एक संगठित सरकार हो? क्या राज्य शब्द के लिए ये उत्तम है या सर्वोत्तम उक्ति है? चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित करने का अधिकार रखते हैं। इसमें हमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिल रही हैं कि जिसे हमें लग रहा है कि यही आंसर ठीक होगा, लेकिन चलिए पहले हम आगे देख लेते हैं। बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति और परंपरा शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं, एक निश्चित भूभाग स्थायी रूप से समाज। अब देखिए, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति परम, जैसे अभी हम जनजातियों का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या जनजातीय एरिया में बहुत टाइम से ये लोग नहीं रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी शासन व्यवस्था को जिस तरह से वो जीते आ रहे हैं, उसको सुचारू रूप से चालू किए हुए हैं। तो क्या वो राज्य के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा? एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो क्या ये राज्य के अंतर्गत आएंगे? तो एक तरफ से हम इसको कह सकते हैं कि हमारा आंसर तो हमें मोटा मोटा दिख रहा है कि इसमें अगर सारी चीज़ें जो राज्य के अधीन आती हैं, राज्य के अंतर्गत, इसमें जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा होता है तो हम राज्य के अंतर्गत राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित करते हैं और राज्य की शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती देती हैं जबकि मूल अधिकारों का हनन होना हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि राज्य जो राज्य तो हमें इसमें जो सारी चीज़ें मिल रही हैं, देखो शासन की बात हो रही है, ठीक है, कानून एवं व्यवस्था की बात हो रही है, ठीक है, और नैसर्गिक अधिकारों की बात हो रही है, जो हमें नैसर्गिक अधिकार मिले, मौलिक अधिकार मिले, नेचुरल अधिकार मिले हैं, और रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इन सब में, हाँ, एक एक चीज़ें जैसे अपनी संस्कृति परंपरा को बनाए हुए हैं, शासन व्यवस्था को बनाए, पर क्या है ये संक्षिप्त रूप में है ना, विस्तृत रूप में तो नहीं ये किसी को बता रहे हैं। अगर हम देखें तो हमें सबसे बेस्ट आंसर ये यही लग रहा और ये यही सही है, ऑप्शन वी हमारा, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित, क्योंकि राज्य के रूप में हम इसे, राज्य की बात हो रही तो राजनीतिक रूप से संगठित भी होगा, राज्य है तो संगठित होगा, ऑब्वियस है, ये बिल्कुल से, जो स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने और अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। और चलिए आगे हम देखते हैं,
प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या है, निम्नलिखित में किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें भूल गई कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट ईयर। ये मौलिक अधिकार जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मिनिमम और एक दो अगर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल सकते हैं तो हम 20-25 तक देख सकते हैं। वैसे डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये हमारे 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट ईयर, कब से, 1995 से लेके और 2021 तक। तो 2020 ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना और साथ ही इसके इस टॉपिक को भी उतना ही वेटेज लेके चलना, क्योंकि हर एवरी ईयर इससे एक ना एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। देख ले पिछले लास्ट 2021 में तो 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं लगातार एक ही टॉपिक से आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। चलो ऑप्शन देखते हैं क्या है, एक, शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ठीक है, शक्तियों का परिसीमन और हाँ इसका ऑप्शन तो हमारा क्लियर है कि क्या क्या है, शक्तियों क्या क्या रहा है कि शक्तियों का परिसीमन और विधि के समक्ष समता, विधि के शासन की बात हो रही है, और सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हैं, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4 और केवल 1, 2, 4। अब देखिए, शक्तियों का परिसीमन बिल्कुल सही है, शक्तियों का परिसीमन होगा। ठीक है, शक्तियों का परिसीमन है मौलिक अधिकारों में। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हमारा मतलब किसी नैसर्गिक अधिकारों को किसी भी तरह से उल्लंघन होता है, तो शक्तियों का परिसीमन भी किया जाता है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के शासन में विधि के समक्ष समता की बात की गई है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, इसको एक मिनट के लिए छोड़ते, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, तो दोनों की बात की जाती है। चलिए एक बार अगर हम इसको बोलें तो विधि का शासन का प्रमुख सिद्धांत क्या है, विधि के शासन का प्रमुख सिद्धांत जान लेते हैं, हमारा आंसर अपने आप से निकल के आ जाएगा। कानून के समक्ष सब लोगों की समता, क्या बात कर रहा है कि कानून के समक्ष सब लोगों की समता, मतलब इसका अर्थ क्या है, विधि के शासन का मतलब कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सब लोगों की समता। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही हो गया है। इसके बाद अगर हम आगे देखें, इसमें इसे भारत में भी उसी अर्थ में लिया गया है जैसा अमेरिकी विधान में ग्रहण किया गया था। भारतीय संविधान में घोषित किया गया कि प्रत्येक नागरिक एक ही कानून के अंतर्गत जो समान रूप से लागू होगा होंगे, जन जाति कारणों विशेषाधिकार किसी भी तरह का कोई भी इसमें उल्लंघन नहीं होगा। राज्य में यदि किसी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है तो तथा अन्य लोगों को इससे वंचित है तो वहाँ विधि का शासन नहीं कहा जा सकता है। तो देखो, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व तो विधि के ये क्या होता है कि सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व तो किसका होता है, सबका होता है, लेकिन क्या इस तरह से डायरेक्टली विधि के शासन के अंतर्गत आता है, शक्तियों का परिसीमन, हाँ शक्तियों का परिसीमन हो जाता है। किस तरह से कि अगर किसी भी तरह के किसी के शक्तियों का उल्लंघन होता है तो क्या हो, वहाँ पे शक्तियों का परिसीमन किया जाता है, नैसर्गिक अधिकारों को उल्लंघन। ठीक है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं, विधि के शासन जहाँ हम बात करते हैं सब लोगों को क्या है, समानता की बात हो रही है और सबका समान रूप से समान कानून का अधिकार है, तो इसमें क्या होगा, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की बात की जा रही है विधि के शासन के अंतर्गत, और इसलिए ये क्या है 1, 2, 4। और ये क्योंकि ये सरकार के समक्ष प्रतिजन के प्रति जन उत्तरदायित्व की बात नहीं हो रही है, सरकार के प्रति, क्योंकि जो हमारे जन उत्तरदायित्व होते हैं, जन प्रतिनिधि होते हैं, वो सरकार के प्रति उत्तरदायी होती हैं, इसलिए ये बात हो रही है विधि के शासन की, इसलिए ये हमारा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कौन से परिकल्पित हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक बार के लिए अगर हम माइंड में आते हैं, एक माइंड में सोचते हैं तो क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने देखा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या दो आते हैं, चलिए पहले मैं देख लेते हैं आंसर, इसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या है कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध, आश्वस्ता उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में
बच्चों की नियोजन। अगर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये क्या है, आर्टिकल 23 to 24। तो ये क्या कहता है, कारखानों आदि में बाल का नियोजन का प्रतिषेध और मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी बिगाड़ी। तो डायरेक्ट शब्दों में अगर हम देखें कि अगर हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार की सुरक्षा की बात देखती है मौलिक अधिकारों में, तो अनुच्छेद 23 और 24 में दिखती है। और 23 और 24 क्या है, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का अनुच्छेद। तो ये डायरेक्ट हम आंसर की तरफ तो पहुँच गए, लेकिन ये क्या है, हमें गुमराह करने के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं जो अस्पष्टता का उन्मूलन और अल्पसंख्यकों के हितों में। अस्पष्टता का उन्मूलन की बात कहाँ होती है, ये होती है समानता के अधिकारों में। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात कहाँ होती है, ये हमारी सुरक्षा के अधिकारों की बात जो हो रही है। तो ये तो दोनों ऑप्शन अपने आप से कट जाएंगे, अनुच्छेद 23 और 24। कुछ कुछ ऑप्शन हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन इतनी इजी होते हैं जिन पे सिर्फ हमें एक बार थोड़ा सा देखना और डायरेक्ट हम आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। और ऑप्शन देखो बिल्कुल क्लियर दिया हुआ 1, 4। देखो अस्पष्टता कहाँ का है, जैसे एलिमिनेशन ट्रिक की बात करें तो 2 अगर देखो 2 हमें पता चल गया, जैसे अगर हमको अल्पसंख्यक हितों का सुरक्षा भी याद नहीं है तो हम अगर बात करें तो हम अस्पष्टता का तो 2 इसमें है, ये कट चुके हैं ठीक है। और इसके बाद 2 इसमें कट गए, आंसर हम सीधे अपना सी की तरफ पहुँच गए, सी क्लियर है। इस तरह से हम आंसर की तरफ बहुत ईजिली पहुँच सकते हैं। अब आते हैं निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत अधिकार के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। निजता के अधिकार की बात हो रही है, निजता का अधिकार क्या है हमारा, चलिए निजता के अधिकार को एक बार हम देख लेते हैं। तो निजता के अधिकार में क्या है कि कह रहा है कि हाँ ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध अनुच्छेद 17 भाग 4 में दिए गए राज्य की नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 21 भाग 3 में गारंटी की कई स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन। अब निजता के अधिकार की अगर बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार कहा, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जिसने भारतीय अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसमें अनुच्छेद 21 में के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। इसको क्या है, अनुच्छेद 21 से मौलिक अधिकार 21 से क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया है। अब देखो 1235 जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है, हमारे फंडामेंटल राइट की बात करें अगर हम एक बार को छोटा मोटा मोटा देख लेते हैं तो हम एक बार बता सकते हैं। लेकिन अब देखो 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध की बात करता है। तो 21 हमें अनुच्छेद 21 डायरेक्ट हम पहुंच तो गए हैं आंसर की तरफ, क्योंकि हमें कंफर्म है कि आंसर क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 एक क्या कहता है कि निजता का एक मौलिक अधिकार है और इसको गारंटी मिली हुई है। तो हम आंसर की तरफ तो डायरेक्ट पहुँच ही गए थे, लेकिन फिर भी चलो हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगस्त ये क्यों, ये 2017 का क्वेश्चन है, ये 17 नहीं 18 का क्वेश्चन है। ये इसलिए पूछा गया था कि जो जजमेंट आई थी अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की, उससे रिलेटेड था निजता के अधिकार को संविधान का संरक्षण, यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक बाई प्रोडक्ट है, लाइक अ बाई प्रोडक्ट। निजता के अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान दिया गया है, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है, बशर्ते कि उसके अधिकारों का हनन ना हो रहा हो, सामने वाले के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो रहा है। व्यक्तिगत रुझान पसंद को सम्मान देता है, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह करने का फैसला तथा बच्चे, ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया। अभी इसमें पूछा है निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत, और एक तो डायरेक्ट पूछ लिया कि विवाह करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो देखिए इसमें कितना कुछ जो रिपीटेड जजमेंट या कुछ इस तरह से न्यूज होती है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बनते हैं। तो निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिनंग है, यह सही है कि संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया बल्कि मान्यता दी गई है। इसलिए ये हमारा अनुच्छेद 21 भाग 3 में गारंटी दी गई मौलिक अधिकार में निजता का अधिकार आता है। चलिए आगे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति के विवाह, देखिए ये अगला क्वेश्चन पूछ लिया, विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार
ये 2019 में, वो 2018 में ही 2019 में पूछा गया, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं निजता का अधिकार अनुच्छेद 21, ठीक है। इस जजमेंट की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार के संरक्षण करता है। देखिए कितने कुछ कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक ऐसे रिपीटेड होते रहते हैं, तो इन पर हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अविघटित कर दिया, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली इस तरह भी देख सकते हैं, एक मिनट चलिए। ये देखो जो क्या हुआ था, 1999 संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2014 में आया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के थ्रू, आयोग NJAC संरचना एवं कामकाज हेतु, तो इसमें वैसे तो इसकी यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, अब हमने इसमें डाल दिया तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन का न्यायिक पुनरावलोकन और 99वें संविधान संशोधन को भारत उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, इसमें से ये बताना कि सही कौन सा है। तो इसमें से सही तो यही है कि इसमें तो नहीं किया गया 44वें संविधान संशोधन में क्या क्या ये संपत्ति के अधिकार का और अन्य चीज़ों की बात की, क्योंकि प्रधानमंत्री के निर्वाचन और न्यायिक पुनरावलोकन की बात नहीं इसमें की गई, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाता है, इसलिए बी की तरफ है और ये बाई मिस्टेक इसमें डल गया, तो इसलिए इसको हम आगे ले चलते हैं। चलिए अगले ये क्या है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है, धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है। अगर धन के केंद्रीकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ये भी, चलिए इसको भी हम आगे फिर डिस्कस करेंगे जब BPSP में पहुँचेंगे। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, यह क्या है, एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह ना तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार। अब देखिए संपत्ति के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके थ्रू इसको क्या किया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। पहले हमारा मौलिक अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अब देखो विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों, अब विधिक अधिकार क्या भारतीय क्या विदेशी या जो हमारी FDI आती है या फिर बोल सकते हैं क्या जो विदेशी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या उनको संपत्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है अधिकार। अगर हम जेन्युइन अगर इसमें हमें मौलिक अधिकार भी याद ना हो तो भी हम इसका निकाल सकते थे, इतना पता हो हमें कि सिर्फ संपत्ति का अधिकार क्या है, एक विधि का अधिकार है, इतना तो हमें आइडिया है क्योंकि जब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत थी इसमें कुछ ज़्यादा, क्योंकि केवल नागरिकों को प्राप्त तो है नहीं, केवल नागरिकों को प्राप्त होता तो केवल भारतीय यहाँ पे अपने धन का संकेंद्रण करते हैं, धन का संरक्षण करते हैं और संपत्ति रखने का अधिकार भी रखते, परंतु विदेशी लोग इधर आके धन का संरक्षण भी कर रहे हैं, धन का धन मतलब धन रखने की स्थिति है ना, संपत्ति का अधिकार उनके पास भी है और वो उसको रख रहे हैं। तो मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं, ऐसा नहीं है, मौलिक अधिकार तो पहले नहीं है ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा, यह ना तो मूल अधिकार ना ही विधिक अधिकार, ये अपने आप से हो गया। अब हम ऑप्शन हमारे पास दो बचे हुए, जो केवल अक्सर याद रखना है कि जहाँ केवल और इस तरह की जो टर्मोलॉजी का यूज होता है वो अमूमन रॉन्ग होती है, इस पर ध्यान रखना। तो ये क्या आंसर हमारा बी हो रहा है, विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकों निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार, नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ठीक है। देखिए तो अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार अक्सर अगर इसके अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि नागरिकों का अधिकार भी मूल स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, जिनका उपयोग नागरिक कर सकता, और यदि इन अधिकारों के उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो तो वह न्यायालयों अथवा प्रशासनिक अधिकरणों की सहायता से उनकी उपभोग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, कि सुरक्षा किससे मिल रही है, अगर हम बात करते हैं कि अधिकारों में सुरक्षा हमें किससे मिल रही है तो नागरिकों को किससे मिल रही है, राज्य के विरुद्ध,
राज्य राज्य के विरुद्ध ही तो है, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाता है। लेकिन अब देखो, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, नहीं राज्य के दावे क्यों हैं? नागरिक को किसे कैसे हो सकता है? अधिकार भी विशेषता, मतलब अगर हम इसका अधिकार नागरिकों नागरिक अधिकारों का अर्थ भी मूल स्वतंत्रताओं से है ना, नागरिक अधिकारों का मतलब मूल स्वतंत्रताओं से, नागरिक जिनका उपयोग कर सकता है, इन अधिकारों के उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो तो न्यायालय और प्रशासनिक अधिकरणों से सहायता ली जाती है, ठीक है, न्यायालय और प्रशासनिक अधिकरणों से। तो इस तरह से ये क्या है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा है, मूल स्वतंत्रताएँ हैं और सहायता है, जो कि किसके विरुद्ध होगी, नागरिकों के विरुद्ध। अब ये अधिकांश लोगों के विरुद्ध, कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं तो नहीं। अगर हम इसको थोड़ा सा ही ध्यान दें, ये क्या कह रहा है, नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, ये गलत हो जाता है। अधिकार भी विशेष अधिकार जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ये भी गलत हो जाता है। कैसे कि भी विशेषाधिकार है, अधिकार भी विशेषाधिकार जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट, हाँ विशेषाधिकार तो हैं लेकिन उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते ना हम लोग। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध, कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और इसके बाद हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए, अभी हमने पीछे ये पढ़ा था जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सेम वर्ड का। तो क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2324 को हमने देखा मानव दुर्व्यापार, और इसके बाद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 2324। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे दो अनुच्छेद हैं, 2324। और देखो आंसर ये हमसे पूछ लिया गया 14 से, कैसे ये 2004 में पूछ आया था, और इसके बाद ये हमने 2017-18 में अभी जस्ट दिखा है, अभी हम पढ़ रहे थे तब, ठीक है। और तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए स्टॉप चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2017 में पूछा गया था, ये मेरे को एकदम क्लियर है, 2017 में पूछा गया था अभी रिसेंटली, इसलिए इसके टॉपिक इस टॉपिक में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना है और इसको कवर करना है, अनुच्छेद 24, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान मान्यता देता है, ये मैंने अगली स्लाइड यूज की है इसलिए नंबरिंग ऐसी हो गई, ये 11 हमारा क्वेश्चन नंबर है। हाँ, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई और नरजातीय अल्पसंख्यकों को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ केवल जो हमने अभी एक एलिमिनेशन ट्रिक बताई थी, कि केवल इन टर्मिनोलॉजी का बहुत याद रखना है, क्योंकि केवल जो टर्मिनोलॉजी होंगी या यही सब में से अधिक इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजी का बहुत याद रखना है। तो ये हमारा रॉन्ग, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों, क्या सभी राज्य हमारे या सभी जो भाषाई राज्यों का गठन अभाषाई अल्पसंख्यकों के आधार पर हुआ, नहीं हो रहा ना, इस तरह से तो चीज़ें नहीं हैं। तो इनको अगर हम कॉमन सेंस का यूज करते हैं तो भी हम निकाल लेते हैं धार्मिक, और जो कि हमने देखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हमारे मौलिक अधिकार 29 और 30 में दिया गया है, और जिसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित तो नहीं किया गया, लेकिन धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या दी गई है, मान्यता दी गई है, और जिसे हमने आर्टिकल 29 और 30 में देखा है, ठीक है। तो क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, ठीक है। तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, ये अगर डायरेक्ट एक शब्द में याद रखें, क्योंकि पर मैं चलिए आगे हम ऑप्शन के थ्रू निकालते, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार तो अपने आप से निकल जाएगा, एलिमिनेट हो गया। समानता का अधिकार की बात की गई होगी तो एक बार सोच सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता की एक बार भी हम सोच सकते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ ये हमें डायरेक्टली संवैधानिक उपचार का अधिकार और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसको बहुत जोर दिया गया, राइट उपचार के अधिकार के रूप में, ठीक है। और इसको कहा गया संविधान की आत्मा कहा है उन्होंने, और अनुच्छेद 32 पर टिप्पणी, और इसमें यदि मुझसे कहा जाए कि मैं संविधान के किसी डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहूँ कि उन्होंने कहा संविधान सभा में, यदि मुझसे कहा जाए कि मैं संविधान के किसी अनुच्छेद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण
मानता हूँ, तो उसमें बिना व्यवधान किए मैं ये कह सकता हूँ कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो इस अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है, वह किन वो किस किन लाभ लाभ का हकदार होता है, ये लाभ लाभ लाभों का हकदार होता है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। चलिए, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वामी इस संप्रदाय समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त करता है। अब चलिए, इसका ऑप्शन तो क्या है, आर्टिकल 31 के थ्रू, इसलिए इसको मैंने इसमें यहाँ डाला है। तो इसका क्या है कि इसमें एक सेकेंड, हाँ 31 के अनुसार अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर अपनी रुचि क्या कर सकते हैं, अपनी रुचि क्या हो गया मेरे इसको पेन को, ये शायद थोड़ा सा हैंग हो गया फ़ोन हमारा। चलिए फिर भी मैं इसे कंटिन्यू कर सकती हूँ। हाँ ये क्या हो रहा, हमारा पेन नहीं चल रहा, चलिए चल गया। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म की बात कर रहे हों या फिर भाषा अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं स्थापित करने का और उनके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। और नए प्रधानमंत्री 1500 योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्तियों द्वारा लाभान्वित, ये 2011 के है उस टाइम पे ये बहुत ये प्रधानमंत्री 15 पॉइंट कार्यक्रम के लिए, इसलिए ये पॉइंट है। लेकिन फिर भी हमने इसलिए इसको डाला है क्योंकि ये हमारा आर्टिकल 31 से रिलेटेड था। तो ये हमारा पहला और इसका सी आंसर, ये तो नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध कौन से कथन परिकल्पित करता है। चलिए, मानव के देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों। ऑब्वियस है, जब शोषण के विरुद्ध की बात हो रही है तो ये दोनों, ये रिपीटेड है, मैंने पीछे भी पढ़ाया है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही करके निकल सकती हूँ। ई और डी इसका ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कहीं निजता का अधिकार पूछा गया, कहीं ये पूछा गया है कि विवाह करने की स्वतंत्रता है, कहीं ये पूछा गया कि ये क्या आर्टिकल 21 क्या है, क्या 21 को मौलिक अधिकार माना गया। तो ये UPSC का फेवरेट वन ऑफ द क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। आर्टिकल 21 निजता का एडवाइस हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ इसलिए अब पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज़ आ सकता है। इसलिए संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्राप्त है। क्या क्या है समानता का अधिकार की बात होती, तो हम ये अभी हमने जब पहली स्लाइड खोली थी तो हमने मौलिक अधिकारों को देखा था। तो पहला 14 से 18 क्या है समानता के अधिकार की बात करता है, मौलिक अधिकार 14 से 18। तो इसमें डायरेक्टली 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, देख रहे हैं आप किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, 14 से 18 डायरेक्टली हम इसका आंसर दे सकते हैं। अनुच्छेद 16 से 20, 15 से 19, 13 से, क्योंकि ये सब क्या है, 14 से 18 क्या है ये इनका, तो पहली बात तो 16 से 20 का कोई डिवीज़न है नहीं, 15 से 19 का कोई डिवीज़न नहीं है, 13 से 17 का कोई डिवीज़न नहीं, तो ये अपने आप से रॉन्ग हो जाए। देखिए UPSC के जो ऑप्शन होते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं और बहुत ऐसे होते हैं कि आप अगर उसकी थोड़ी सी ट्रिक्स भी समझेंगे तो बहुत ईजिली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कि 16 से 20 में कहीं आपने पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा, 15 से 19 कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, 13 से 17 पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन 14 से 18 में समानता का अधिकार ये सही है। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये जो सूची मिलानी है, अनुच्छेद 16 क्या है, अनुच्छेद 16 किसी व्यक्ति को कानून के अधिक प्राधिकार के सिवा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 29 किसी भी व्यक्ति के उसके वंश में धर्म तथा जाति के आधार पर, और सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर हो भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 21, अरे यार चलिए करते हैं, और आज थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, आज नॉइज आ रहा थोड़ा सा होगा, शोर आ रहा पीछे से, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। अनुच्छेद 31 किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, वंश या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
देखो अनुच्छेद 16 दो कि क्या कह रहा है, किसी भी कानून को कानून के प्राधिकार के अतिरिक्त तो उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अनुच्छेद 29, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ई देखो हम मिलाते हैं कि सो ऑप्शन ये सही है, 16 किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के सिवाय अलग नहीं किया जा सकता है। और टू का क्या होगा कि 29 दो क्या कहता है, नागरिकों को धर्म जाति वंश भाषा इनके किसी भी आधार पर राज्य से संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने के लिए वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये फोर्थ। इसके बाद सी 31 क्या कहता है, 31 कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक को चाहे वो धर्म के आधार पर भेद हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार रखते हैं, तो 31 सही है। इसके बाद 31(1) किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश, जाति अथवा धर्म पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो इसका ये हम इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओहो ये तो मैंने अच्छा है, बस लास्ट है। इसके बाद हाँ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17, 14, 15, 16, 17। तो 14 क्या कहता है, किसी राज्य नागरिक मूल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी को विभेद नहीं किया जा सकता है। 17 क्या कहता है, अस्पष्टता का अंत किया जा, तो 17 ये 3 हो गया। 16 का क्या है, ये हो गया 16 क्या कहता है कि 16 हमारा कहता है और 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या ये याद ही करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है, 14 क्या है, समानता का अधिकार की बात करता है, क्या है राज्य भारत में किसी भी, तो समानता की बात कहाँ आ रही है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, तो ये बात आ गई 14। और 15 क्या कहते हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विविध का प्रतिनिधित्व, 15 हो गया हमारा। 16 नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, तो अवसर की क्षमता कहाँ दिख रही है, ये लिखा है अवसर के, तो 16 का ये हो गया। 17 अस्पष्टता का अंत, तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमें यहाँ पे सी दिख रहा है सही, ठीक है, तो सी सही होगा, ठीक है। ये हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया, थोड़ा सा नॉइज़ हुआ है और थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए मतलब मैं सॉरी बोल सकती हूँ, कल से ऐसा नहीं होगा, टाइमली होंगी चीज़ें। और बाकी आप लोग इस टॉपिक को बहुत सीरियस लें, क्योंकि इससे प्रीलिम्स यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, इनफैक्ट वन डे एग्ज़ाम, हमेशा कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आती हैं। एक बार रिपीट कर सकते हैं, एक बार हम फिर से मौलिक अधिकार को रिपीट कर देते हैं, चलिए, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस स्लाइड में आप ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखें। और एक एक मुझे, मैं तो कहूँगी कि ये कुछ ये मौलिक अधिकार हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मौलिक अधिकार हुआ, DPSP हुए और प्रस्तावना, ये इनको तो बिल्कुल आप एकदम से याद कर लें। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 25। बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता, समानता संरक्षण और की बात होती है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध से 3 क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। और इससे स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का अधिकार तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन, कहीं पूछा गया कि विवाह की स्वतंत्रता, तो कहीं पूछा गया कि नैसर्गिक अधिकारों की स्वतंत्रता, तो कहीं पूछा गया कि आर्टिकल 21 क्या है, ठीक है, निजता का अधिकार क्या है, किसमें किसके थ्रू आता है, ठीक है। तो इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता पर पूछा गया है, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड, संस्कृति और शिक्षा में भी पूछा गया किस तरह से संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, और ये मतलब आप बिल्कुल याद करके रखें, ठीक है, थैंक यू। कल करते हैं DPSP।